उज्जैन की चौपाटी में इस समय हम हैं और यहाँ पर कुछ लोगों को हमने जबरन रोक लिया है। नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, जबरन नहीं रोका, देख सकते हैं आप इनके हंसते हुए चेहरे। हमने बस इन्हें बातचीत करने के लिए बोला है, ये तैयार भी हो गए हैं। आपका नाम क्या है? मोहिनी। मोहिनी क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी शादी को कितना समय हुआ है? साल भर हो, एक साल। अच्छा, इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? नहीं है। जानती है चुनाव चल रहा है? पता है। अच्छा, तो उज्जैन से ही हैं आप? नहीं, मेरी हाँ उज्जैन से हूँ, पियर उज्जैन में, ससुराल मेघनगर में। ससुराल कहाँ है? मेघनगर झाबुआ। झाबुआ में? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जब वोट देती हैं आप? नहीं, अभी नहीं दिया वोट। अभी नहीं दिया? हाँ। अच्छा, वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? बोलिए कुछ। जब जाऊंगी बता सकती, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, आप बताइए कुछ, जानते हैं नेताओं के बारे में? नहीं। अच्छा, एक्टर के बारे में? मैं तो नहीं आई। फेवरेट एक्टर कौन है? अरे हीरो कौन है फेवरेट? टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ। आपके साथ है क्या? मेरी वाइफ है, भाभी है, मेरी बहन है। अच्छा, ये बताइए आप वोट देते हैं? देता नहीं। अच्छा, क्या सोच कर देते हैं? बीजेपी को सोच के देता हूँ, नरेंद्र मोदी। क्यों? देश का बच्चा ही। आप क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं आप? फर्नीचर कारपेंटर। अच्छा, आपका नाम क्या है? सोनू बात। सोनू। अच्छा सोनू, तो आप इस बार किसको वोट देंगे, क्या सोच कर देंगे? बीजेपी को देंगे। क्यों? वही है हमारा अब्बास हिस्सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत को कुछ और लोगों के साथ। बताइए गौरव, क्या करते हैं आप? दुकान आपकी है? कैसे चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है। ये चुनाव चल रहे हैं, पता है? पता है ना। कैसा माहौल है? बहुत शानदार माहौल है, मोदी जी आ रहे हैं। यहाँ पर भी? सभी जगह। क्यों? काम ही ऐसा ही करा हमने। ऐसा क्या काम किया है? ऐसा कौन सा काम नहीं करा है आप? ऐसा कौन सा काम किया है तो बता दो। क्या नहीं करा ये बता दीजिए आप। जी बोलिए, क्या चाहते हो? चुनाव का माहौल कैसा है यहाँ पर? अरे मैडम क्या बताएं, पूरे कुएं में भांग मिली हुई है, समझ रहा हूँ आप, पूरे कुएं की मैं भांग मिली हुई, बस इसके आगे एंटर नहीं दे सकता मैं। वोट देते हैं आप? हाँ देते हैं। क्या सोच कर देते हैं? क्या अच्छा देश के लिए भला हो रहा है? कौन भला कर रहा है देश का? मोदी जी। मोदी जी इन्होंने बोला, इसलिए बोल रहे हो? नहीं। क्या भला किया है? सब तो भले कर रहे हैं, सबको रोजगार मिल रहा है। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, MBA कर रहा हूँ। अच्छा, MBA कर रहे हैं। कैसा चल रहा है चुनावी माहौल? बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। क्या लगता है कि क्या होने वाला है इस बार? इस बार बीजेपी आएगी, अनिल फिरोजिया जी को वोट देंगे। क्यों? लोकप्रिय सांसद है और काम भी करते हैं, अपने उज्जैन का डेवलपमेंट भी करा उन्होंने, बहुत सारा काम। उज्जैन से ही हैं आप? हाँ उज्जैन से। अच्छा, क्या बदलाव देखे आपने उज्जैन में? एक तो यहाँ पे स्वच्छता का बहुत वो करा है डेवलपमेंट, उसके बाद सड़कें वगैरह, रोड वगैरह का बहुत सारे काम डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, अभी भी चल ही रहे हैं। ठीक है, देखिए ये पूरा जो एरिया है चौपाटी का, यानी कि यहाँ पर लोग खाने पीने आते हैं, नहीं तो वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि हमारी तरफ मत आइएगा। हम लोगों से पूछ लेते हैं। हेलो, सॉरी हाँ आपको डिस्टर्ब करें, क्या नाम है आपका? डॉक्टर जीत। खड़े हो जाइए प्लीज। हाँ बताइए, क्या नाम है? डॉक्टर जीत। अच्छा, ये बताइए कि कैसा चल रहा है चुनावी माहौल यहाँ पर? बढ़िया, सुपर। आप यहीं के वोटर हैं? जी जी बिल्कुल, उज्जैन का लोकल। अच्छा, तो कैसा आपने बदलाव देखा है यहाँ पर? मैंने 2013 के पहले फॉरेन में भी बदलाव देखा है, मैं आउट ऑफ इंडिया रहा हूँ बिकॉज, और उसके बाद में 2013-14 के बाद का भी बदलाव देखा है, और पढ़े लिखे तो ऑब्वियसली पता चलता है क्या बदलाव है क्या नहीं, तो मोदी जी बेस्ट, बीजेपी के अलावा कोई। पॉइंट आ गया, सीधा पॉइंट बीजेपी, नो डाउट, बिकॉज मैं फॉरेन में उसके पहले भी रहा हूँ और वहाँ जो कंडीशन थी इंडियंस को जिस तरह देखा जाता था बहुत गंदे तरीके से देखा जाता था, और आज जिस तरह से इंडियंस को देखा जाता है बड़ा प्राउड फील होता है फॉरेन। आप क्या करती हैं? नहीं वो बात नहीं करना चाहती हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, सॉरी, इट्स ओके। तो आइए कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। उधर भी कुछ लोग खा रहे हैं, यहाँ पर देखिए जूस के ये स्टॉल लगे हुए हैं, जूस बहुत पीते हैं यहाँ पर लगता है लोग, क्योंकि आदित्य स्टॉल यहाँ पर जूस के ही लगे हुए हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? आप इसे बात कर रहे हैं? गौरव। आपका नाम क्या है बेबी? नहीं वो बात नहीं करेगा। अच्छा, आप उज्जैन के लोकल हैं? नहीं मैम, हम लोग भोपाल से हैं। अच्छा, भोपाल से हैं। चुनावी माहौल महसूस कर रहे हैं जी? कैसा लग रहा है?
लहर है आपके किसकी लहर है अभी तो थोड़ा सा क्या मोदी जी की ही है अभी तक। अच्छा, तो आप वोट डालते हैं जी? क्या सोच कर देते हैं वोट? अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच के ही देते। डेवलपमेंट अच्छा चल रहा है? चल तो रहा है, कई एस्पेक्ट में है जी। आप खुश हैं मतलब? जी जी। आप जिनको ढूंढ रहे हैं वो पीछे खड़ी हैं। आइए आइए मैम। हाय, व्हाट्स योर नेम? समृद्धि मिश्रा। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं बैंकर हूँ। अरे वाह, ये बताएंगे हम अच्छे से सब जवाब बताएंगे। क्या हमारी जो अर्थव्यवस्था है कैसी है? नो कमेंट्स, एज एन ऑफिशियल आई कैन नॉट कमेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। अच्छा ठीक है मैम, ये बताइए कि बीइंग अ वुमन कैसे महसूस करती हैं आप? पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदला है? ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट एम्पावरमेंट तो वो भी बढ़ा है, वी आर गेटिंग इंडिपेंडेंट और हमारी सोच बहुत ओपन हुई है। चेंजेस आर देयर स्लोली एंड ग्रेजुअली, वी आर मूविंग टूवर्ड्स लाइक एवरीथिंग एम्पावर्ड वुमेन। हम लोग हर जगह एक्टिव। इज इट रियली हैपनिंग? यस, आई फील लाइक व्हाट अबाउट इन्फ्लेशन? आई एम टेलिंग यू दैट आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन एनी सिंपलर वर्ड्स ना आम लोगों की समझ के लिए। आई कैन नॉट कमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू भैया। यहीं के हैं आप? यहीं के हैं? यहीं के। कितने साल से उज्जैन में है? 20 साल से। क्या कुछ बदला है उज्जैन में? सब बदलो, बढ़ गया है। बढ़िया, एकदम चकाचक चकाचक। अच्छा, और क्या बदलना चाहिए? और क्या बदलना चाहिए? तेजाई मंत्री हुई है, तेजाई कम हो गए। वोट देते हैं आप? हाँ वोट देते। क्या सोच कर देते हैं? जो अच्छो चले शहर होगा, अच्छो शहर चले, अच्छो काम हो गए। कुछ रहता है आइडिया मन में कि ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, सब बढ़ गया, सब बढ़ गया। तो वोट जब देने जाते हैं तो एक को देंगे ना वोट? तो क्या सोचते हैं? अब जो नहीं बताइए आज, ये नहीं बताएंगे। अच्छी बात है, ये नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल सही बात। हाँ, कांग्रेस ही अच्छा है। हैं? हाँ। क्यों? आइयो मैंने कहीं बताई। हाँ भैया, जय महाकाल। जय महाकाल। आप लोकल हैं? चुनावी माहौल सही लग रहा है? कांग्रेसी है। कांग्रेसी है? क्यों? शुरू से ही। तो अभी राहुल गांधी की बातें सुनते हैं क्या अच्छा लगता है? अपने लिए सभी अच्छा, अभी तो कांग्रेस ही है अपन तो। बस किसको वोट देंगे आप? कांग्रेस। अच्छा, क्यों? मतलब शुरू से इन्हीं को दे रहे ना। आसपास वाले लोग बोलते होंगे ना कि नहीं नहीं हम तो इसको नहीं देंगे उसको देंगे। नहीं तो अपने तो कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, अपन तो एक ही सोच है अपनी खाली, बस कांग्रेस। तो क्या सोच कर देते हैं? बस यही, और कुछ भी नहीं। वेलकम, थैंक यू। हेलो, आप लोग बात करोगे? नहीं, कोई बात नहीं करेगा। हाय बेबी। हेलो कर दो। हेलो कर दो। हेलो। आप इनसे अच्छे आप बात करते हैं। चलिए और बात करते हैं यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या नाम है आपका? राकेश जैन। अच्छा राकेश जी, क्या क्या बदला है उज्जैन में? कुछ भी नहीं बदला है, आज भी सड़कें 10 फीट चौड़ी है, तो 50 साल पहले भी चौड़ी थी, आज भी 10 फीट चौड़ी है, कोई बदलाव नहीं है, पूरा घटिया शहर बना रखा है। किसने? सरकार ने। यहाँ तो सांसद रिपीट हुए हैं। भले रिपीट हुआ हो, पूरे देश में केवल एक उज्जैन ऐसा शहर है जहाँ विकास के नाम पे वोट नहीं दिया जाता। पानी की समस्या वर्षों से, सड़कों की समस्या वर्षों से, अतिक्रमण वर्षों से, इंदौर की खान नदी उज्जैन में मिला दी, गंदे पानी का नाला तक उज्जैन में मिला दिया, तो भी जनता वोट दे जा रही है। कोई बदलाव नहीं हो रहा है ना, कुछ होना है यहाँ पे, कोई नेतागिरी कुछ करते ही नहीं है। ऐसा क्यों? आप खुद देखो ऐसा क्यों, अब जनता जाने और नेता जाने। मैं तो विकास के नाम पे सोचूं तो कोई मतलब ही नहीं है वोट देने से, इससे तो वोट नहीं देना ज्यादा अच्छा है। आप जब वोट देने जाएंगे तो आपके मन में क्या चल रहा होगा? मेरे मन में नोटा चल रहा होगा। अच्छा, क्यों? किस बात पे वोट दूं? चलने की जगह आप उज्जैन में देखो, चल के टू व्हीलर चलाने की जगह नहीं है, ई बस ला रहे हैं, मतलब रामघाट तक ई बस ले जाएंगे। अरे टू व्हीलर तो ले जाओ पहले। महाकाल मंदिर के पास में हेरिटेज होटल बना दी, वहाँ जाने के लिए ई रिक्शा में जाएगा क्या? हेरिटेज में आता है HNI क्लाइंट, HNI लोग ठहरते हैं हेरिटेज होटल में, वहाँ जाने की जगह नहीं है, कहाँ से जाएगा आदमी? बनाए जा रहे हैं, पहले रास्ते तो बनाओ कुछ। ठीक है, तो क्या नाम है आपका? राजकुमार शेरे। हेलो गुड़िया। यहाँ राजकुमार जी उज्जैन के ही हैं जी। उज्जैन में कुछ बदला भी है या ऐसा ही है उज्जैन शुरू से? नहीं बदला है ना, बहुत कुछ बदला है अभी तो। क्या बदला है? स्मार्ट सिटी वगैरह में भी काफी काम हुआ है,
वोट देते हैं आप? हाँ। तो जब वोट देने जाते हैं तो क्या मुद्दे चलते हैं आपके दिमाग में, नेता रहते हैं या उनके भाषण रहते हैं, क्या चलता है दिमाग में? हाँ, जो भी काम करा है उस हिसाब से चलता है दिमाग में। क्या लगता है कि नेता लोकल मुद्दे पर बात करते हैं या नहीं करते, या पाकिस्तान और महंगाई और इस तरह की बातों पर बात होती है? करते हैं मैडम। किन पर बात होनी चाहिए? काफी जो शहर में है उससे रिलेटेड बातें होना चाहिए। तो ये झूला भी है यहाँ पर, तमाम लोग हैं, आप निकल पाएंगे कि यहाँ से? अच्छा, बस देखिए बच्चे यहाँ पर झूल रहे हैं, बहुत खुश भी हैं। आप, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इसाक। ये आप ही का है क्या? जी। अच्छा, कैसे चल रहा है बिजनेस? बढ़िया चल रहा है। हेलो जी बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। अच्छा, ये बताइए कि आप उज्जैन से ही हैं? जी हाँ। उज्जैन का माहौल कैसा है? अच्छा माहौल है। वोटर हैं आप? जी हाँ। अच्छा, तो जब आप वोट देने जाते हैं ना तो मन में क्या चल रहा होता है? कोई नेता चल रहा होता है या कोई पर्टिकुलर उसका मैनिफेस्टो का वादा चल रहा होता है या अपने लोकल इश्यूज चल रहे होते हैं? नहीं मैडम, काम चलता है मन में। किसने क्या काम किया है जी? तो कुछ काम हुआ भी है यहाँ पर? हाँ मैडम, हमारे मोहल्ले में अच्छा काम हुआ। अच्छा, कोई ऐसा काम जो ना हुआ हो? नहीं, ऐसा काम कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हेलो, क्या नाम है आपका? अरे कैमरे पर है आप, घबराइए मत। ऐसे हम आपका थोड़ा बात करना चाह रहे हैं, आप उज्जैन की वोटर हैं? जी। उज्जैन में सब कुछ ठीक है? सब बढ़िया है। अच्छा, काम हुआ है पिछले पाँच सालों में? हुआ है ना। ऐसा कुछ जो ना हुआ हो या सब हो गया? महिला हैं आप, महिलाओं के मुद्दों पर बात करती हैं पॉलिटिकल पार्टी? हाँ करती है ना, अभी जैसे लाडली बहना की योजना जो चला रही है, अच्छी योजना है, उससे काफी महिलाओं को मदद मिली है। महिला और सशक्त हुई है क्या? हाँ हुई है ना। अच्छा, ये बताइए कि सुना आपने प्रधानमंत्री के बयान को कि मंगलसूत्र वाला बयान दिया है उन्होंने? अच्छा, नहीं सुना। कोई बात नहीं, जो पॉलिटिकल गर्मा गर्मी होती है वो देखती हैं आप? हाँ देखते हैं, थोड़ा बहुत चलता है। उसे देखकर क्या लगता है? देखो अभी तो बीजेपी का ही चल रहा है, बीजेपी ही मेन पार्टी रह गई अभी तो। क्यों? कांग्रेस में अभी कोई ऐसा है नहीं दम, मतलब दमदार कोई नहीं। और मोदी जी ने जो करा है उसके लिए आज, मतलब जैसे राम मंदिर बनवाया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उनकी तरफ वोटिंग के लिए मतदान उनको ही ज़्यादा होगा इसलिए। ठीक है, थैंक यू। तो ये लोगों की राय जानने की कोशिश हमने की है यहाँ उज्जैन की चौपाटी में। आगे भी आपको अलग अलग सीट पर जो लोग हैं उनका क्या कहना है, क्या सोचना है, वो सब दिखाते रहेंगे। और देखते रहिए, हम हर हलचल आप तक पहुँचा रहे हैं। यूजीटी नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए।